तो आप अपने क्षेत्र के लिए क्या कुछ कर रहे हैं? अपने क्षेत्र के लिए जिस तरीके से फरीदाबाद में सबसे बड़ा चैलेंज था कि फरीदाबाद के अंदर नई नई इंडस्ट्रीज आनी चाहिए, क्योंकि पिछले 15 सालों से, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करूंगा, लेकिन भेदभाव किया गया। क्षेत्रवाद का जो नारा पिछली सरकारों ने दिया वो फरीदाबाद पर अच्छे तरीके से लागू होता है, फरीदाबाद की अनदेखी की गई। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के अंदर बनी और प्रदेश में, फरीदाबाद को महत्व दिया जा रहा है, और जो उसका पुराना उसे जो भेदभाव किया गया था, मुझे लगता है कि इस टेन्योर के अंदर बड़ी तेजी से फरीदाबाद के अंदर विकास हो रहे हैं, चाहे वो नेशनल हाईवेज का आना हो, KMP का आना हो, चाहे फरीदाबाद को मेट्रो से कनेक्ट करने का काम हो, और फरीदाबाद में सभी विधानसभाओं में, चाहे किसी में विधायक था या नहीं था, समान रूप से जो विकास कार्य करने का काम है। और मनोहर लाल जी ने फरीदाबाद से जो उद्योगों की डिमांड थी कि यहाँ पर उद्योग स्थापित होने चाहिए, फरीदाबाद से मुझे उद्योग मंत्रालय दिया, तो इसके लिए भी मैं समझता हूँ उनकी सोच जो थी, पार्टी की जो सोच थी कि फरीदाबाद को आगे औद्योगिक जो शहर है, जो इसका विश्व के मानचित्र पर स्थान है, वो वापस दिलाना माननीय मोदी जी और मनोहर लाल जी का दोनों का कमिटमेंट भी है और सपना भी है। इसके लिए आप कितने प्रयासरत हैं? जब से मैंने मंत्रालय संभाला, हमने काफ़ी सारा यहाँ पर काम, जो लोगों का एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करने का काम, अभी हमने 250 करोड़ रुपए साइड स्कीम के तहत, जो कभी भी किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया जो 25-30-40 सालों से डेवलप है उनको उसके अंदर कभी नहीं लगाए गए, अभी 250 करोड़ रुपए हमने पहली बार अनाउंस किए हैं मुख्यमंत्री जी ने, और 400 करोड़ रुपए की योजनाएं भेजी हुई हैं कि फरीदाबाद को लेकर और भी जितने इंडस्ट्रियल एरिया हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर चुस्त दुरुस्त किया जाए, और नई इंडस्ट्रीज के लिए हमने यहाँ पर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक काम चालू किया है, उसके तहत कई मोबाइल कंपनियों ने हमसे MOU भी साइन किए हैं और बहुत सारी कंपनियाँ हमारे टच में हैं, और जल्दी फरीदाबाद के अंदर लाखों लोगों को जो रोज़गार मिल सके वो हम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने